हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है डीएलएड और बीएड दोनों के लिए। तो आज इस क्लास में हमारा टॉपिक होगा वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम जानेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इसका डिफरेंस जानेंगे, और एक साथ दोनों का अध्ययन अगर हम करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमें इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा, अगर बात की जाए वृद्धि क्या है, तो वृद्धि का तात्पर्य होता है हमारे शरीर का आकार, वजन, विस्तार, इन सभी दृष्टि से बढ़ना। और विकास की बात की जाए तो विकास व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना होता है। विकास जो है ये गुणात्मक स्वरूप का होता है और वृद्धि हमेशा परिमाणात्मक स्वरूप का रहता है। तो इस प्रकार से विकास जो है वो हमारे जन्म से, यानी कि माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। जबकि वृद्धि क्या है, आरंभ तो हो जाती है हमारे जन्म से, लेकिन एक निश्चित समय होता है वृद्धि का, तो निश्चित समय के बाद यह रुक जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए मनुष्य है तो वह हमेशा जीवन पर्यंत अगर बढ़ता ही रहेगा तो आप सोच कर देखिए कि मनुष्य कितना लंबा होता, या फिर अगर उसका वजन बढ़ता ही जाता, आकार अगर बढ़ता ही जाता, तो आज वह कैसा दिख रहा होता। तो इस प्रकार से जो वृद्धि है इसका एक निश्चित समय होता है या एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, और विकास निरंतर चलता रहता है। क्योंकि विकास जो है वो एक गुणात्मक स्वरूप होता है, जिसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखने, मान लीजिए सीखने की बात आई तो जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है वो जीवन भर चलता है। देखिएगा, वृद्धि और विकास का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है, यह एक निश्चित आयु यानी कि निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। जबकि विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन होता है। जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है। आप जब बड़े हो जाते हैं तो भी कुछ सीख सकते हैं, और हो सकता है कि जब आप बूढ़े हो जाएँ तब भी आप अपने पोता पोती मान लीजिए तो सीखते ही रहते हैं। इस प्रकार से एक मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हमेशा उसके जीवन में परिवर्तन आता है। वृद्धि परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है, यानी कि एक निश्चित समय आता है जब तो वृद्धि समाप्त हो जाती है। जबकि विकास कभी भी नहीं रुकता, और परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है, जबकि विकास का संबंध वातावरण से होता है। वृद्धि मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है, मात्रात्मक होती है, इसे हम माप सकते हैं, कितना व्यक्ति का भार कितना है, इसका वजन कितना है, ये चीज़ हम माप सकते हैं, कितना लंबाई है, लेकिन विकास कितना हुआ है ये मापा नहीं जा सकता। तो विकास क्या है, यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कितनी ज़्यादा बुद्धि है या फिर समझने की क्षमता कितनी है, इसे हम माप नहीं सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए व्यक्ति कितना लंबा है तो ये आसानी से मापा जा सकता है ना। तो वृद्धि में व्यक्तिगत भेद भी होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि एक जैसी नहीं होती। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि व्यक्ति अगर 5 फुट का है तो सब व्यक्ति, यानी कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सभी 5 फुट के ही होंगे, ऐसा तो नहीं है। व्यक्ति क्या है, प्रत्येक बालक की वृद्धि या प्रत्येक मनुष्य की वृद्धि एक जैसी नहीं होती, इसमें व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। और विकास जो है, विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें कुछ समानता पाई जाती है, लेकिन कुछ ही समानता पाई जाती है, बिल्कुल सेम नहीं होता है। अभिवृद्धि के साथ विकास भी हो सकता है, अभिवृद्धि जो है वो विकास के साथ भी हो सकता है, जबकि अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। आप ये कह सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा कि एक बालक है, उसका भार व मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को भी प्राप्त करे। देखिए, उसका भार तो बढ़ रहा है,
उसका मोटापा तो बढ़ रहा है, मतलब कि उसकी वृद्धि हो रही है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा हो। और अगर विकास की बात की जाए तो मान लीजिए कोई बालक ऐसा है जो उसका वृद्धि उसकी नहीं हो रही है, उसके शारीरिक विकास में शारीरिक परिवर्तन उसका नहीं हो रहा है, फिर भी उसमें विकास हो रहा है, फिर भी वो चीज़ों को आसानी से सीख ले रहा है, तो बालकों के अंदर कद भार या आकार में वृद्धि ना होने पर भी वे सामाजिक भावात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर शारीरिक वृद्धि हो रही है तो उसके साथ विकास हो सकता है, लेकिन अगर शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है तो भी विकास हो सकता है। मतलब क्या है कि विकास हमेशा हो सकता है, विकास में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि विकास अगर नहीं हो रहा है तो वृद्धि भी नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकास जो है वो निरंतर चलता रहेगा। अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन जो है वो मापे जा सकते हैं, हम माप सकते हैं कि किसी व्यक्ति का आकार वजन कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, लेकिन विकास की बात की जाए तो कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाले होने से विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिसका मापन करना बहुत कठिन होता है। हम माप नहीं सकते कि किसी का व्यवहार कितना है, कितना अच्छा है, तो ये मापा नहीं जा सकता। अभिवृद्धि मनुष्य के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू होता है, यानी कि जो वृद्धि है वह विकास का ही, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक टाइप है या फिर एक प्रकार है या फिर एक हिस्सा है। जबकि विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है, विकास अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है, तो इसमें वृद्धि भी शामिल रहती है। तो वृद्धि किसका भाग हुई, वृद्धि विकास का भाग हो गया, यानी कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का ही एक प्रकार आप कह सकते हैं, सॉरी प्रकार ना कह के आप इसी के अंदर इसको शामिल होना मान सकते हैं। और उन सभी परिवर्तनों को भी विकास शामिल करता है जो जीवधारी के अंतर्गत स्तर होने पर होते हैं, यह शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और सौंदर्य बोध जैसे विकास के सभी पहलुओं को अपने में समाविष्ट करता है। अभिवृद्धि क्या है, एक एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करती है। जो हमारे शारीरिक रूप से जो हमारी बढ़ोतरी होती है शरीर में, उसे हम वृद्धि कह देते हैं। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएँ प्रकट होती हैं, क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है, मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हैं। तो विकास क्या है, मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी प्रक्रिया है, और वृद्धि क्या है, ये एकाकी प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वृद्धि और विकास का जो डिफरेंस है वो जाना है। आई होप आपको वृद्धि और विकास के बारे में कई सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये क्लास आपको बीएड और डीएलएड दोनों में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।